In the name of Allah, the Supreme Sustainer of the Universe, the Greater, the One, the Oracle, the Creator of all the Prophet and His Holy Family, who is nearest and remote. Today I am going to discuss with you the 18th century. 18th century के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूँ. The 18th century को जो है क्लासिकल एज भी कहा जाता है. इस एज के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर जो क्लासिकल एज जो थी वो अकाउंट ऑफ थ्री रीजन्स, मतलब इसको तीन वजूहत से वजूहत के बिना के ऊपर जो है वो क्लासिकल एज कहा जाता है. द फॉलोड ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, इस एज के अंदर जो है वो फॉलो किया गया था लिखने वालों को, ग्रीक से जो लोग ताल्लुक रखते थे और रोमन राइटर्स थे, जैसे जिनमें से जो विर्जिल और होमर शामिल हैं. इन एवरी नेशन लिटरेचर, हर मतलब ये नेशन का जो है एक लिटरेचर है. देयर इज अ पीरियड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स प्रोड्यूस वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट्स, ऑफ ग्रेट मेरिट्स, मतलब जी हर नेशन के अंदर जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है एक क्या कहते हैं कि जी लिटरेचर जो है, अदब जो है वो पाया जाता है. सच अ पीरियड इज ऑफन कॉल्ड क्लासिकल पीरियड, इस किस्म का एक पीरियड जो है वो उसे क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. इंग्लिश राइटर्स रिबेल्ड अगेंस्ट द एग्जैजरेटेड एंड फैंटास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो पुराने राइटर्स थे उन्होंने जो है वो खिलाफ हो गए, उन्होंने बगावत कर दी कि जो बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके जो है वो बातें की जाती थी लिटरेचर के अंदर, या फैंटास्टिक जो फैंटेसी के हवाले से जो वो बातें की जाती थी ड्यूरिंग लिखने के, या लिखी हुई चीज़ों के अंदर जो वो बातें लिखी जाती थी जिनको बढ़ा चढ़ा कर जो वो बयान किया जाता था. 18th सेंचुरी आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ गुड सेंस, इसको एज ऑफ गुड सेंस भी कहा जाता है. आल्सो कॉल्ड द अगस्टन एज, अगस्टन एज के नाम से भी इसको याद किया जाता है. और द एज ऑफ रीजन, और एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है इसे. क्लासिकल एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पीरियड्स, इसको जो है तीन तरह के जो पीरियड्स के अंदर अदवार के अंदर जो तकसीम किया जाता है, जिनके अंदर शामिल है द एज ऑफ ड्रैगन, एज ऑफ पॉप, और थर्ड है डॉक्टर जॉनसन. एज ऑफ पॉप जो है वो स्टार्ट होती है 1700 to 1744 तक. पोएट्री बेस्ड ऑन क्लासिकल स्पिरिट, क्लासिकल स्पिरिट के ऊपर जो है ये मुनहसर करते इस दौर की पोएट्री. नॉट इंटरेस्टेड इन टाउन एंड कल्चरल सोसाइटी, मतलब इस किस्म की जो पोएट्री थी वो ना कस्बों के बारे में बात करती थी ना जो है वो कल्चरल सोसाइटी के बारे में डिस्कशन करती थी. नो सिंपैथी, कोई हमांगी नहीं थी फॉर द हम्बलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, के जिंदगी को गुजारने में जो इनके सारे के साथ तरीक़ेकार हैं पहलू हैं उनके साथ. द लाइफ ऑफ फ्लावर्स, ना के बात की जाती थी फूलों के हवाले से, फूलों की जिंदगी के बारे में, द शेफर्ड्स या चरवाहों के बारे में. एंड नो लव फॉर नेचर, और इस दौर के अंदर जो है वो कुदरत के साथ या कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के साथ जो है वो कोई मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता था. वो वर क्लासिसिस्ट, मतलब आप क्लासिसिस्ट कौन थे उस दौर के अंदर. मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिकल पोएट्री, मतलब क्लासिकल पोएट्री की जो मेन खसूसियात थी वो क्या थी. इट वॉज फंडामेंटल डायडेक्टिव, एक बढ़ा चढ़ा कर जो है वो या फैली हुई चीज़ थी पोएट्री, फंडामेंटल बुनियादी इसका हिस्सा था. रिटन इन क्लोज कपलेट, क्लोज कपलेट भी एक फॉर्म है पोएट्री की, उसके अंदर जो है ये लिखा जाती है, लिखी गई है इस दौर की पोएट्री. मेनली खासतौर के ऊपर प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो बात करता है, ये प्रोडक्ट है या इस किस्म की चीज़ है. चीफली द टाउन पोएट्री, इस पोएट्री के अंदर टाउन पोएट्री का भी हिस्सा शामिल है. ओके, द नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट द 18th सेंचुरी इज अबाउट डोमिनेटेड फिगर्स, इस दौर के मतलब राइटर जो थे डोमिनेट कौन कर रहे हैं उनके बारे में आज आपसे बात करने लगा हूँ. अलेक्जेंडर पॉप जो है इस दौर का सबसे बड़ा राइटर है. 1688 to 1744 कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड का इसको जो है वो बेताज बादशाह माना जाता है. पोप को जो प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म भी कहा जाता है, मतलब शहजादा माना जाता है क्लासिकल राइटिंग का. प्रोमिनेंट वर्क्स इसमें जो इसके काम शामिल हैं पोप के, उनमें से द रेप ऑफ द लॉक जो है वो 1714 के अंदर लिखी गई, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है. ये कहानी है एक लॉक के कट जाने की, मतलब एक लिट के कट जाने की कहानी. द एसे ऑन मैन इसने लिखा, द रिम सेठ मतलब लिखी गई पॉप ने लिखी. माइनर पर्ट्स ऑफ द एज ऑफ पॉप, पॉप की एज के जो माइनर पर्ट्स थे वो कौन कौन से थे. मैथ्यू प्रायर 1664 to 1721 डिप्लोमेटिक था एंड एक्टिव पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन भी था
उसने जो है दो जो है लंबी जो है लॉन्ग पोम्स लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, उनके नाम हैं सोलोमन ऑन द विनिटी ऑफ द वर्ल्ड लिखिए, और दूसरी जो है द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड के नाम से उसने पोम लिखी। जॉन गे जो 1685 टू 1732, द आर्ट ऑफ द वॉकिंग, द रूरल स्पोर्ट, द स्ट्रीट ऑफ लंदन, ब्लैक आइट के नाम से यहाँ पे काम हुए या इसने ये काम जो है लिखे। एडवर्ड जॉन 1683 टू 1765, द नाइट थॉट्स रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स एक पोएट्री की सिंफ है जिसके अंदर जो है इसने ये चीज़ लिखी। लेडी विंकल 1662 1725, नॉक्टर्नल रिवरी के नाम से जो लिखी नज्म लिखी। थॉमस पैरनल 1679 टू 1718, द नाइट पीस ऑन डेथ के नाम से एक पोम लिखी। हेमन टू कंटेंटमेंट के नाम से लिखी गई। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्रोज राइटर ऑफ दिस एज, द प्रोज ऑफ एज ऑफ पॉप, ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स वर्ड, बहुत मशहूर जो राइटर्स थे प्रोज के इस तौर के कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल था डैनियल डेफ 1661 टू 1731, रोड ऑल सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, हर किस्म के जो है टॉपिक्स के ऊपर इसने लिखा। मसलन किस किस टॉपिक के ऊपर लिखा इसने, सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी एंड 26 पब्लिकेशन, मतलब 26 जो है वो बुक्स इसने जो है वो लिखी हैं। मेजर वर्क्स कौन कौन से थे, द मेमोरीज ऑफ कैविलियर के नाम से इसने एक बुक लिखी थी उसके अंदर, कॉलोनियल जैक के नाम से, रुखसाना के नाम से, प्लेग ऑफ द ईयर के नाम से, रॉबिंसन क्रूसो, कैप्टन सिंगलटन के नाम से जो है प्रोज के अंदर इसका काम शामिल है। जोनाथन स्विफ्ट बहुत प्यारा राइटर है, बहुत बड़ा राइटर है इस एज का, 1672 1745, मोस्ट पावरफुल एंड ओरिजिनल जीनियस ऑफ हिज एज, बेहतरीन ओरिजिनल जो है काम लिखने वाला और जो है वो कहते हैं कि बहुत ताकतवर या बेहतरीन किस्म का जो है वो जहानत वाला जो है शख्स है इस दौर का, हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा जहन। मेजर वर्क्स जो हैं इसके गलिवर्स ट्रेवल्स हैं, द टेल ऑफ टफ, द बैटल ऑफ बुक्स, स्विफ्ट वाज अ प्रोफाउंड पेसिमिस्ट, पेसिमिज्म की तरफ जो है इसका ज़्यादा झुकाव था, ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, मतलब कि ये ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि हाईली जो है वो किसी चीज़ को जो एक्सेप्ट नहीं करता था, मतलब कि ये पेसिमिज्म का शिकार होता था। जोसेफ एंड्रयू एक राइटर हैं 1672 1719, एंड सर रिचर्ड स्टीले 1672 टू 1729, दे वर्क इन कोलाबोरेशन, इन दोनों ने जो है मिलकर काम किया। द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस 18th सेंचुरी, आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।